हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेली ग्रुप पर स्वागत है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं साइंस सब्जेक्ट यानी कि साइंस से विज्ञान से पेट एग्जाम के लिए जो कि महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के सेट को देखा जाएगा। जो सेट कई सारे क्वेश्चंस यानी कि एनालिसिस करके बहुत सारे सेट में से 50 क्वेश्चन को छांटा गया है, उसमें से 50 क्वेश्चन को लिया गया है। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए चलिए वन बाय वन देखते हैं और कोशिश करते हैं कि हाँ जल्दी से जल्दी इसको कवर किया जाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, विच कैन बी यूज टू मेक फायर प्रूफ जैकेट्स। इनमें से किसका प्रयोग फायर प्रूफ यानी कि अग्निरोधक वस्त्र बनाने में किया जाता है, माइका, एस्बेस्टस, पॉलीकार्बोनेट या फिर चारकोल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एस्बेस्टस। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? एस्बेस्टस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाइड्रोकार्बन प्लेज मेन रोल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन बहुलकों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है? तो बहुलकों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाला क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो इसका हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैवीएस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी धातु कौन सी है? क्या है? फ्रेंजियम है, आर्सेनिक है, गैलियम है, ऑस्मियम है। उसमें से आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑस्मियम है। बोला गया है कि भारी आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु। ठीक, और जब हम लोग आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं, पीरियडिक टेबल की बात कर रहे हैं, तो एक चीज और पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व होते हैं। टोटल एलिमेंट होते हैं 118। ठीक है, 118 होते हैं। और अगर इसमें पूछा जाए कि आवर्त सारणी में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, द्रव अवस्था में, तो ये भी इंपॉर्टेंट पूछा है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, तो वो है ब्रोमीन। आपका हो जाएगा क्या? हो जाएगा ब्रोमीन। और अगर इसी से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन पूछ दे कि आवर्त सारणी में मोस्ट रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील कौन सा होगा, तो आप लिख सकते हैं, माफ कीजिएगा थोड़ी सी राइटिंग बहुत ही बकवास है आज की, उच्च अभिक्रियाशील यानी कि आप लोग बात को ध्यान दीजिए, हाईली रिएक्टिव तो उसको बोलेंगे प्रेंजियम। ठीक है, और दूसरा चीज अगर पूछे कि हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, तो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल बोले वो हो जाएगा फ्लोरीन। आप लोग अगर ध्यान दे रहे हैं तो एक नोट बना लीजिएगा, फिर दिमाग में रख लीजिएगा, यहाँ पे पेन सही से चल नहीं रहा है। तो ठीक है, तो ये था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ तो इसका आंसर था आपका ऑस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विल डोनेट इलेक्ट्रॉन इजली। इनमें से कौन सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन दान करेगा? तो देखिए, जो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, मान लीजिए न्यूक्लियस है, और जो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा दान करेगा यानी कि सबसे ज्यादा लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा वो भैया? वो हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, क्योंकि ये सबसे आखिरी में है और इनकी क्या होती है, पहले क्या आता है, पहले क्लोरीन आता है, सॉरी फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है। ठीक है, ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। ठीक है, और उसके बाद एटी। तो यहाँ पे ऑप्शन में एटी नहीं है यानी कि आयोडीन है, तो आयोडीन इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका लास्ट डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है, विच इज आल्सो नोन एज क्विक सिल्वर। इनमें से किसको क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। ठीक है, मरकरी एक ऐसी मरकरी धातु है। ठीक है, तो अगर पूछ दे आपसे कि क्या पूछ दे कि इनमें से सबसे किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं। ठीक है, मरकरी को क्या बोलते हैं? मरकरी को पारा बोलते हैं। ये होती है टॉक्सिक, अगर पानी के साथ मिलकर के हमारे शरीर में चल जाए तो भैया दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसको मरकरी होती है, ये टॉक्सिक होती है। और क्या है, अगर पूछ दे कि कौन सी ऐसी धातु है
जिसको जो द्रव के अवस्था में पाई जाती है, कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव के अवस्था में पाई जाती है, तो आप लोग इसको HG यानी मरकरी को ही क्या करेंगे आंसर में लिखेंगे। फिर उसके बाद पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए ऑप्शन दे दे कि हाँ कुछ दे दे धातु, तीन चार धातु दे, और उसमें से पूछ दे कि इसका पृष्ठ तनाव कम होता है अधिक, पूछ सकते कि निम्नलिखित में से किस धातु का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, तो इसका भी ऑप्शन मरकरी हो जाएगा। यानी इससे रिलेटेड तीन चार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी उसी से रिलेटेड है, क्विक सिल्वर कहलाता है, नॉर्मली लिखा हुआ है, क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, पिछले वाले का सी था, इसका बी हो जाएगा, वही मरकरी है। नेक्स्ट, हाईली रिएक्टिव मेटल, उच्चतम अभिक्रियाशील धातु, अभी हम लोग पढ़े हैं, हम लोग अभी पढ़े हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल क्या होगी, जब क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन करा था तो बताया हूं, तो इसका देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंजियम। क्वेश्चन नंबर कौन सा, FR, फ्रेंजियम। ठीक, और ये किस ग्रुप में आता है, ये आता है आपका एल्कली मेटल्स के ग्रुप में, किसके किस ग्रुप में आता है, एल्कली मेटल्स वाले ग्रुप में, यानी उसको क्या बोलेंगे, क्षारीय धातु, क्या बोलेंगे, क्षारीय धातु के ग्रुप में आता है, कौन, फ्रेंजियम की बात किया जा रहा है, और इसको कौन सा फर्स्ट ग्रुप, एल्कली एल्कली धातु वाले ग्रुप में आता है, और पीरियाडिक टेबल में ये जो होते हैं फर्स्ट ग्रुप में पाए जाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन, फिर Li हम लोग पढ़े थे ना, फिर सोडियम, तो ये किसी ग्रुप में आता है, सोडियम के बाद क्या पोटेशियम, फिर उसके बाद रुबिडियम। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ना हिलिना कुमारी रायबरेली से फरार, तो जो फिर सीजियम, फिर उसके बाद फ्रेंजियम, फ्रेंजियम लास्ट में है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हाईली हाईएस्ट रिएक्टिव पूछा गया है, तो नीचे नीचे ऊपर से नीचे की तरफ क्या होती है, रिएक्टिविटी यहाँ पे बढ़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेंजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, टिश्यूज विच इफेक्ट्स द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, ऊतक जो रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा कि ये होगा ऑप्शन बी, मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती हैं, ऐसे कौन सा अस्थायी ऊतक होता है जिसमें डेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि ये होता है इस क्लेरन काइमा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्लेरन काइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, लेटेक्स इज रिलेटेड टू, लेटेक्स किससे संबंधित है, तो भैया जब भी लेटेक्स आए तो कह दीजिएगा कि एक ऐसा पेड़ जिसमें से चिपचिपा सफेद कलर का पदार्थ निकलता है, चिपचिपा सफेद कलर का, और वो यानी कि वो क्या होता है, वो नेचुरल रबर होता है, क्या होता है भैया, वो क्या होता है, जल्दी बता दीजिए, वो होता है आपका नेचुरल रबर, इसका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, विच टिश्यू हेल्प्स इन प्लांटेन टू मेक देम हार्ड एंड रिजिड, मेक देम हार्ड एंड रिजिड, क्या पूछा गया है, विच टिश्यू हेल्प्स इन प्लांट टू मेक देम हार्ड एंड रिजिड, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत या फिर ऋण बनाता है, यहाँ पे ऋण कुछ अलग हिंदी हो गई, ओके मजबूत कह लीजिए, रिजिड मतलब कि वो मजबूत हो कह सकते हैं, तो ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेरन काइमा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेरन काइमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और स्क्लेरन काइमा को क्या बोलते हैं, अस्थूल कोशीय ऊतक, क्या बोलते हैं, अस्थूल कोशीय ऊतक, और ये होता है स्क्लेरन काइमा, ये कठोर होता है, क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, तो देखिए यहाँ पे पूछा भी गया है कि विच टिश्यू हेल्प्स इन प्लांट टू मेक देम हार्ड एंड रिजिड, तो कठोरता के लिए स्क्लेरन काइमा यूज होता है। विच इज हाईएस्ट, सॉरी लाइटेस्ट, सबसे अधिक हल्का कौन है, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड, अमोनिया, और क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, इन तीनों में से, चारों में से कौन सा सबसे हल्का पाया जाता है, तो आप क्या करेंगे, इसका परमाणु भार निकालेंगे, उसके हिसाब से जब निकालेंगे तो उसका हो जाएगा आपका निकल जाएगा, तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 का यानी कि अमोनिया का परमाणु भार सबसे कम होगा, इस हिसाब में अमोनिया सबसे हल्की होगी। ठीक है, क्लोरीन का 17.5 होता है शायद, तो 17.52 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कैल्शियम इसका और ज्यादा हो जाएगा, और NH3 का यानी कि
हाइड्रोजन का एक होता है और नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है, तो इसका यानी कि सबसे कम नाइट्रोजन का, फिर देखिए 28, ऑक्सीजन का 16, तो सबसे कम किसका होगा, नाइट्रोजन एंड अमोनिया का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। विच गैस कैन बी यूज एज अ कूलेंट इन एयर कंडीशनर, इनमें से किस गैस का प्रयोग वातानुकूलित मशीन में शीतलक में रूप में होता है, यानी कि ठंडा करने के लिए, कूलेंट के लिए होता है। SO2, NH3, NO2, N2O, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें से कौन सा ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया कि हम लोग, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया, हम लोग अमोनिया को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, इनमें से कौन प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, इसमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, क्वेश्चन नंबर 14। 14 का आंसर हो जाएगा भैया स्टार्च भी है, सेलुलोज भी है, आइसोप्रेन भी है। आप लोग पता चल दिमाग में रख लीजिएगा, अगर कहीं ऑप्शन में पूछ दे कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है और ऑप्शन में तीन कोई अदर ऑप्शन और चौथा दिया हो स्टार्च, तो क्या हो जाएगा, स्टार्च को क्लिक करेंगे यानी कि टिक करेंगे। अगर मान तीन कोई और ऑप्शन दिया है, साथ में चौथा सेलुलोज दिया है, सेलुलोज करेंगे, तीन कोई और ऑप्शन है, साथ में आइसोप्रेन दिया है, तो आइसोप्रेन को भी यूज करेंगे। और इस हिसाब से यहाँ का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, टेफ्लॉन इज द पॉलीमर ऑफ, टेफ्लॉन इनमें से किसका बहुलक है, तो आपको बताना है टेफ्लॉन किसका बहुलक है। और टेफ्लॉन है भैया टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। ठीक है, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, टेट्रा फ्लोरो एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 16, विच नॉन मेटल इज लस्ट्रस, इसमें से कौन सी अधातु, देख लीजिए ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो धातुएं चमकदार होती है, धातु की प्रॉपर्टी क्या होती है कि धातु चमकदार होती है, और यहाँ पे लिखा है विच नॉन मेटल इज लस्ट्रस, एक धातु जो चमकदार होती है अधातु, तो बता दीजिए वो क्या है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है या फिर फास्फोरस है। तो इसका आंसर आपको एकदम आंख बंद करके बता देना है कि भैया ऑप्शन सी आयोडीन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक रेल, देखिए यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था, ठीक है, मेक रेल नीर, पानी वाला जो बॉटल, रेल नीर बॉटल, ठीक है, उस टाइम में बनता है। इनमें से किसे किसे रेल नीर बोतलें बनाने में प्रयोग करते हैं, पीवीसी, पीईटी, टीएफपी, नन ऑफ दीज, ठीक है, पीवीसी का यूज होता है, फिर पॉलीएथिलीन का यूज होता है, फिर टीएफई का यूज होता है, फिर नन ऑफ दीज, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका 17 है, तो इसका हो जाएगा बी पार्ट, पॉलीएथिलीन टेट्रा समथिंग होगा, नहीं बट ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर एल्कोहल इज कॉल्ड, शुद्ध एल्कोहल कहलाता है, यानी कि शुद्ध एल्कोहल किसे कहते हैं, या फिर शुद्ध एल्कोहल कहलाता है, तो शुद्ध एल्कोहल यानी कि एब्सोल्यूट एल्कोहल, यानी कि पूर्ण पूर्ण एल्कोहल कह सकते हैं, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया है आपका परफेक्ट एल्कोहल, ये भी एब्सोल्यूट मतलब ये भी पूर्ण होगा, बट फाइन एल्कोहल ना प्लीज, तो देखिए एब्सोल्यूट एल्कोहल इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, एब्सोल्यूट एल्कोहल, और इसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटेड एल्कोहल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी हाइड्रेटेड, DRATED, डिहाइड्रेटेड, और या फिर इसको और क्या बोलते हैं, निर्जलीय, ठीक है, इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है, इसको इस क्या पूछ सकता है कि निम्नलिखित में दिए गए, सॉरी शुद्ध एल्कोहल कहलाता है, एब्सोल्यूट एल्कोहल, परफेक्ट एल्कोहल, फाइनल एल्कोहल, नन ऑफ दीज, या फिर ये भी पूछ सकता है कि प्योर एल्कोहल को और क्या कह सकते हैं, पांच छह ऑप्शन दे सकता है, निर्जलीय एल्कोहल हिंदी में पूछ सकता है और उसके इंग्लिश कुछ और दे सकता है, तो आप दिमाग में रखिएगा किसको निर्जलीय एल्कोहल बोलते हैं, इस हिसाब से इसका आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ब्लड इज अ, रक्त एक है, क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, नर्व टिश्यूज, नन ऑफ दीज, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इस हिसाब से कनेक्टिव यानी कि जो उसको जोड़ता है, संजोज करता है, मिलाता है, टिश्यू मतलब ऊतक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भैया संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट, मेन यूनिट, बेसिक आधारभूत या फिर मूलभूत तंत्रिका, तंत्र का मूलभूत इकाई या फिर यूनिट कौन सा है, भैया आपको पता है कि भैया इसका जो होगा बी पार्ट होगा, न्यूरॉन, न्यूरॉन तो सबको पता होगा, ठीक है, दिमाग का जैसे सीपीयू है समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन गेन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, इनमें से देखिए फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट लिखा हुआ है, गलत होगा, गेन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, इनमें से कौन सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, रेडियम, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सबसे सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो आपका ऑप्शन ये है भैया डी
टीई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, गैस स्टार्ट्स टू रिएक्ट इन एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग थंडर लाइटनिंग। वायुमंडल में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस अभिक्रिया करती है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है या फिर मीथेन है? तो आपका आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, 22 का भी क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाया, नाइट्रोजन सॉरी वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, तो इसका भी आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। मेन कंपोनेंट ऑफ पीएनजी, पीएनजी का मुख्य घटक क्या है? पीएनजी को क्या बोलते हैं? पाइप्ड नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं? पाइप्ड नेचुरल गैस। और ये किसमें पाई जाती है? ब्यूटेन। घटक इसका क्या है? ब्यूटेन है कि मेथेन है कि प्रोपेन है, हेप्टेन है, इनमें से आपको बताना है। तो भैया कह देना है कि CH4 यानी कि मेथेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विच गैस कैन बी यूज टू ब्लीच पूल वाटर, यानी कि पूल वाटर में जो लोग स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल में आप जो लोग स्विमिंग पूल में गए होंगे जानते होंगे कि उसका जो वाटर पानी होता है अजीब तरह का होता है, यानी कि उसको ब्लीच करने के लिए, शुद्ध रखने के लिए और पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का यूज करते हैं या फिर अमोनिया का यूज कर सकते हैं? तो आप लोगों को बता रहा हूँ चाहिए अमोनिया को बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अमोनिया तो भैया बहुत ही घटिया गंध होती है उसकी। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं यूज करते हैं। तो सल्फर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यूज करते हैं, करते हैं क्लोरीन। ठीक है, आप सुनेंगे क्लोरीन वाटर, तो इसका क्लोरीन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के लिए जी का मान किसने ज्ञात किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग लोगों को डाल्टन का सिद्धांत, तो डाल्टन ना आ जाए या फिर न्यूटन ना आ जाए, जे थॉमसन ना आ जाए, तो ये सब एबीसी गलत है। आपका सबसे बेस्ट और सुटेबल आंसर क्या है? आपका डी पार्ट है, और वो है हेनरी कैन, क्या है, कैवेंडिश। ठीक है, इसका डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात, धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं, और वो उसमें टकरा जब वो टकराती हैं तो एक प्रकार की ध्वनि निकलती है। और लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? धातु को क्या काटा जा सकता है वाकई में? तो आप देखिए, पोटेशियम, प्लेटिनम और एल्युमिनियम, ये तो नहीं काटा जा सकता। सिर्फ सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको हम लोग काट सकते हैं किससे, आसानी से, चाकू से। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? पूछा है कि ट्यूबलाइट में मेनली कौन सी गैस भरी जाती है, तो अब पूछा है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आर्गन और मीथेन होता है, या फिर पारे का वाष्प और आर्गन, हीलियम और पारे का वाष्प, या फिर हीलियम और आर्गन। तो कुछ नहीं करना है, कह देना भैया पारा होता है और उसका वाष्प भरा रहता है, और आर्गन गैस के मिक्सचर को मिलकर के उसको मिला के फैला दिया जाता है। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिसीज? और खुरपका और मुंहपका उसकी इंग्लिश नहीं पता है, तो ठीक है, जीवाणु के द्वारा, प्रोटोजोवा के द्वारा या फिर विषाणु के द्वारा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विषाणुओं के द्वारा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पक्का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ दे, नहीं पूछेगा तो भैया उसकी अलग बात है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, विच मैटर्स आफ्टर रिएक्टिंग विद क्लोरीन फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर? ठीक है, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, चूना पत्थर, जिप्सम। तो आपको बिना पूछे कह देना है, बुझा हुआ चूना तो बिल्कुल नहीं करेगा, आंसर लिख देना है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना को अगर हम लोग क्लोरीन के साथ मिक्स रिएक्ट करवाएं तो क्या बनाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से को क्या कहा जाता है? बहुत ही देखिए बेसिक, बहुत ही बेसिक चीज है, और ये क्वेश्चंस कई बार UP SSSC के एग्जाम्स में, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो चाहे वो अदर कोई एग्जाम हो, उसमें से पूछा जा चुका है। पूछा, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? अमलगम, क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु, मिश्र धातु। तो देखिए बिल्कुल सही, मिश्र मतलब मिश्रण, और दो से अधिक धातुओं को एक साथ मिक्स करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? मिश्र धातु बोलेंगे, इसलिए ये तो पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें कोई गलती करके आता है तो आप लोग बिल्कुल गलती कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? कार्बनिक, कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल? क्वेश्चन नंबर 31 एंड 31, आंसर इज डी पार्ट, ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? लोहा मौजूद है या फिर एल्युमिनियम या फिर तांबा या फिर जिंक? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया वो एल्युमिनियम ही ऐसी धातु है जो हम बहुत खूब प्रचुर मात्रा में हुमच हुमच के भरी है, तो हुमच हुमच की कौन सी धातु है? वो एल्युमिनियम है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व तो पाया जाता है? वो हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है या फिर नियॉन है या फिर आर्गन है? तो कह देंगे भैया हम लोग बहुत पहले से, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऑक्सीजन हुमच के भरा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो गैस दी गई है इसमें से जहरीली गैस कौन है? दुनिया की सबसे जहरीली गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑक्साइड, लाल ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? तो आपको कह देना भैया ऑक्साइड,
लाल ब्रोमाइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ये देखिए आपकी स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन 4, ए बी सी डी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नियॉन, और लगते हैं लॉक करते हैं किसको, हाइड्रोजन को लॉक करें कि ऑक्सीजन को? तो आप कहेंगे भैया हाइड्रोजन को लॉक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। इसमें से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है, बहुत हॉटेस्ट लेयर ऑफ वायुमंडल, वायुमंडल की, ठीक है, एटमोस्फियर, ठीक है? तो क्या होगा, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एटोस्फियर? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, तो बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया वो थर्मोस्फियर है, थर्मोस्फियर। और एक चीज पूछे कि निम्नलिखित में से वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, कितनी भागों में डिवाइड किया गया है, कि या फिर कितने भागों में? तो उसका आंसर हो जाएगा 5, ये 5 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है? थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, हेड्रोस्फीयर, होमोस्फीयर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य रहती है? हम पृथ्वी से यानी कि सतल से जमीनी स्तर से कितने किलोमीटर ऊपर तक जाएं तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी, ना के बराबर होगी? तो वो हो जाएगा आपका 120 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। जब आप 120 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे ऊपर की तरफ, तो ये क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 10-12 बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग अलग तरीके से था, बट इसका आंसर ऑप्शन यही होगा, प्रिस्टले, कार्ल सिले, विलियम हार्वे, या फिर ए और बी दोनों। प्रिस्टले, कार्ल सिले, दोनों ने मिल करके बोले थे भैया, दोनों ने मिल करके, प्रिस्टले और कार्ल सिले ने मिल करके ये ऑक्सीजन की मात्रा खोजी थी, ठीक है? तो अगर मान लीजिए कुछ ऑक्सीजन की खोज किसने की, सिर्फ प्रिस्टले ने, बाकी 3 ऑप्शन अलग हो, तो प्रिस्टले को क्लिक टिक करेंगे। अगर मान लीजिए पूछी गई ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, सिर्फ कार्ल सिले दे, बाकी 3 ऑप्शन अलग हो, तो कार्ल सिले को टिक करेंगे, ठीक है? तो ये रहा आपका 38 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि आप लोग पढ़े होंगे, और पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्लैंड बोलते हैं आप लोग पता कर लीजिएगा, मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? लाइक जब रेडियो एक्टिव रेस, और यह भी बता सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा, 3 ऐसी किरणें, ये सब क्या होती हैं जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं। कैथोड किरणें जो होती हैं वो अलग है, डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है कैथोड किरणें, और कैथोड और एनोड किरणें। और ये देखिए अल्फा बीटा गामा एक रेडियो एक्टिव है, क्या है, रेडियो एक्टिव है, और ये कैथोड अलग, कैथोड की अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलग श्रेणी में आती है, अलग कैटेगरी में आती है, ये हो जाएगा कैथोड किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तो उस तत्व को क्या कहते हैं? देखिए आप लोग पढ़े होंगे आइसोटोप्स, आइसोबार, ठीक है? तो यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है, उसके परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है, तो उस तत्व को क्या कहते हैं? संभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, इनमें से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे भैया इसका आंसर समस्थानिक होगा, क्या होगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक तो बराबर है, ठीक, क्या है, परमाणु क्रमांक बराबर है। अगर पूछ देता कि अगर किसी तत्व का परमाणु भार बराबर है वो क्या हो जाता, संभारी हो जाता, लेकिन यहाँ पे परमाणु क्रमांक बराबर है इसलिए समस्थानिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, या फिर उपरोक्त में दोनों सही, ठीक है? अपकेंद्रीय या फिर अविकेंद्रीय या फिर उपरोक्त दोनों, तो आपको बताना कि वाशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया वाशिंग मशीन अपकेंद्रीय, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अप और अभी, ठीक है, अपकेंद्रीय, अप मतलब ऊपर समझिए और अभी मतलब अंदर समझिए, इतना दिमाग में रखिए, मतलब आपको समझने के लिए कह रहा हूँ, एक्चुअल अप में हिंदी का अप में से ऊपर नहीं होता है, तो अपकेंद्रीय बल पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? जब किसी को अल्जाइमर हो जाता है तो कौन सा पार्ट है जो शरीर का जो ज्यादा प्रभावित होता है? हृदय, यकृत, फेफड़ा? तो या अल्जाइमर दिमागी रोग है, मस्तिष्क वाला रोग है, तो ये कौन सा हो जाएगा भैया? किसी को अल्जाइमर होगा तो बहुत परेशान रहता है, यानी मस्तिष्क का रोग है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैक्सवेल, पास्कल, जॉन डाल्टन, या फिर न्यूटन? तो यहाँ पे आपको मैक्सवेल तो दिए नहीं थे, पास्कल ने दिए नहीं थे, न्यूटन ने तो भैया बिल्कुल नहीं दिए थे, क्योंकि वो तो सेब को खाना मिले थे। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन, बिना कुछ सोचे समझे कह देना भैया जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? कांच पूछा है, ठीक है, क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका, इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि सिलिका, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, माइका भी लगाएंगे, लेकिन इसका है सिलिका आंसर है, ठीक है,
सिलिका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निर्वात में यानी कि क्या होगा, वैक्यूम बोला जाए फिर उसको, यानी कि वहां पे हवा ना हो, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को, लोहे के टुकड़े को, कागज के टुकड़े को, पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो कौन पृथ्वी की तरह सतह को सबसे पहले स्पर्श करेगा, छुएगा, यानी ऊपर से। अगर निर्वात में वहां पे वैक्यूम हो यानी कि प्योर हवा ना हो तो कौन सबसे पहले निकलेगा, गिरेगा। ये आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, पढ़ते चले आ रहे हैं इस सब प्रैक्टिकल को। तो इसका आंसर क्या होगा, लोहा, कागज, पत्थर या फिर तीनों एक साथ। ठीक है, तो लोहा और पत्थर तो लगभग एक ही वेट के होंगे, कागज हल्का होगा, इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि, बहुत लोग दिमाग लगा सकते हैं कागज होगा, या फिर बहुत लोग कह सकते हैं लोहा होगा। तो जब आप लोग इसका एलिमिनेशन कर रहे हैं तो लोहा और पत्थर, तो लोहा पत्थर भी हो सकता है, लेकिन क्या कागज भी हो सकता है, कागज तो बहुत हल्का होता है। लेकिन दोस्तों इसका आंसर होगा तीनों एक साथ गिरेंगे नीचे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है, तो आप कह देना चाहिए आपको कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा, भार कम हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे, पका रहे हैं कुछ तो नहीं होने वाला, तो आप क्या कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे भैया भार बढ़ जाएगा, क्या होगा, भार बढ़ जाएगा। ठीक है, लोहे में अगर जंग लगेगी तो भार बढ़ जाएगा। अब जंग लग गई है, उसको साफ कर दिए हैं, ठोक ठाक दिए हैं, तब भार भले घट जाए, लेकिन जंग जब लग जाती है तो उसका भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है इसमें से, तो बता दीजिए कौन सा डंक पाया जाता है चींटी के डंक में, कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, तो आपको बताना है कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। तो आप कहेंगे बिना सोचे समझे, आप कहेंगे यहाँ पे पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है, कहाँ गया हमारा माउस का पॉइंटर, पिन कहाँ गया, रे रे। ओके, तो इसमें पाया था मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है, पहला क्वेश्चन पर इसको लगा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, तो मक्खी तो होगा नहीं और चूहा और ये सभी तो होंगे नहीं, सिर्फ इसका आंसर क्या हो जाएगा, मच्छर हो जाएगा, वही एक प्लाज्मोडियम का परजीवी वाहक है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ गए तो मैं बहुत ही धन्य समझूंगा कि मेरी मेहनत रंग लाई, और भगवान करें ईश्वर करें कि इसमें से कम से कम 3-4 क्वेश्चन भी पूछ देगा, या फिर 2-3 ही क्वेश्चन पूछ दे अगर, तो भी मैं बहुत धन्य हो जाऊंगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन में से अगर 3 क्वेश्चन पूछ देता है इस 50 सेट के, तो भी बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग इस क्वेश्चन को अगर यहाँ तक तो वीडियो तक देखे हैं तो मैं बोलूंगा कि आप लोगों के लिए बहुत ही ऑल द बेस्ट, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही मस्त जाए, एकदम फर्स्ट क्लास जाए, हर एक सब्जेक्ट में आप लोग पेपर वहां पे पूरा फाड़ के आए, एकदम मस्त जाए। और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं और नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर जरूर शेयर कीजिए। और यही नहीं, और भी एग्जाम से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड मैं वीडियो लाने वाला हूँ, आप लोग देख के समझ गए होंगे कि हाँ मैं बहुत सारी वीडियो डाल चुका हूँ, और सिर्फ यही नहीं बहुत सारी एग्जाम से रिलेटेड मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज, मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।